प्रस्तुत पाठ सप्तम पाठ बकस्य रतिकार अर्थात बगुले का बदला। इसमें अव्यय शब्द आए हुए हैं। अव्यय शब्द वे शब्द जो काल की दृष्टि से, कारक की दृष्टि से, लिंग की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से एवं हमेशा समान रहते हैं, अर्थात वे सब परिवर्तन नहीं होते हैं, वे अवयव कहलाते हैं। जैसे च, अपि, कुत्र, कदापि और अन्य शब्द। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व कुछ कठिन शब्द आए हुए, कठिन शब्दों के अर्थ को हम पढ़ेंगे। श्रृंगाल जिसका तो था सियार, बक बगुला, निवसत इसम, रहते थे, द्विवचन भूतकाल का वाक्य है, एकदा एक बार, अवदत बोला अर्थात कहता, स्व आने वाला कल, अग्रिमे अगले यानी अगले दिन कह सकते हैं, कुटिल स्वभाव दुष्ट स्वभाव वाला, स्थाल्यम थाली में, शिरोदनम खीर, पात्रे बर्तन में, सहेव साथ ही, स प्लस एव से संधि हुई है, चसुह चौंस, अभक्ष्यत खाया अर्थात खा गया, वंचित ठगा हुआ, संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाले, जो प्राचीन काल में घड़े होते थे, किसान अब खेत में पानी पीने के काम में लेते थे जिसमें जल भरा जाता था, यादृशम जैसा, त्रादशम वैसा, कृत्वा करके, सुखे सिन्हा सुख चाहने वाले के द्वारा, सद्व्यहतत्वयम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चिंतिता सोचकर, दुखदम दुख देने वाला, कुरु करो, प्रतिकार बदला। अब इस पाठ के वाचन में आते हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बकस्य प्रतिकार बगुले का बदला। दो मित्र होते हैं और मित्र का काम होता है एक दूसरे मित्र की सहायता करना होता है, लेकिन एक मित्र दूसरे मित्र के प्रति जैसा व्यवहार करता है, दूसरा मित्र वापस भी उसी के साथ में वैसा व्यवहार करता है। एकस्मिन् वने श्रृंगाल बक च निवसत इसम, किसी एक वन में अर्थात जंगल में सियार और बगुला रहते थे, तयो मित्रता आसित, उन दोनों में मित्रता थी, एकदा प्रातः श्रृंगाल बकम अवदत, एक बार सुबह सियार बगुले से बोला, मित्र स्वत्वं मया सह भोजनम कुरु, हे मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। सिंगालस्य निमंत्रण बका प्रश्न अभवत, सिंहार के निमंत्रण से बगुला प्रश्न हुआ, अग्रिमे दिने स भोजनाय सिंगालस्य निवासम अगच्छत, अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास पर जाता है, कुटिल स्वभाव सिंगाल स्थाल्याम बकाय शिरोदनम अयच्छत, कुटिल स्वभाव वाला सिया थाली में बगुले के लिए खीर देता है, बकम अवदत च
मित्रम, और बगुले से कहता है, हे मित्र, अस्मिन् प्राते आवाम अधुना सहे खादाव, इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः, भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन लेने में समर्थ नहीं हुई। अतः बकह केवलम शिरोदनम अपश्यत, इसलिए बगुला केवल खीर को देखता है। श्रृंगालः तु सर्व शिरोदनम अभक्षत, सियार तो सारी खीर को खा गया। श्रृंगालेन वंचित बक अचिंत्यत, सियार से ठगे हुए बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया स व्यवहारः कृतः तथा अहम् अपि तेन स व्यवहरिष्यामि। जिस प्रकार इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया है उसी प्रकार मैं इसके साथ व्यवहार करूँगा। एव चिंतिता स सिंगालम अवदत, इस प्रकार सोचकर वह सियार से बोला, मित्र, हे मित्र, त्वम अपि सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, तुम भी कल सायकाल मेरे साथ भोजन करना। बकस्य निमंत्रण सिंगाल प्रश्न अभवत, बगुले के निमंत्रण से सियार प्रश्न हो गया। यदा श्रृंगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत, बकस्य जब सियार शाम के समय बगुले के निवास पर भोजन के लिए जाता है, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे श्रोदनम अयच्छत, तब बगुला संकुचित मुख वाले कलश गरे में खीर डालता है। श्रृंगाल च अवदत, सिया और सियार कहता है, ए मित्र, आवाम अस्मिन् प्राते भोजन कुर्व, हम दोनों इस बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। बकः कलशात् चस्वा शिरोदनम् अखादत, बगुला कलश से चौंस द्वारा खीर खाता है। परंतु श्रृंगालस्य मुखम कलशे न प्रविशत, किंतु सियार का मुख कलश में प्रवेश नहीं करता है। अतः बकः सर्व शिरोदनम् अखादत, किंतु सियार का मुख कलेश में प्रवेश नहीं करता, इसलिए बगुला सारी खीर खा जाता है। श्रृंगाल च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहता है।
जैसा मित्र के साथ में उसने व्यवहार किया था बगुले ने, और ये श्रृंगार बगुले के साथ में, बगुले ने सिंहार के साथ में। श्रृंगाला बक प्रति यादृशम व्यवहार अकरोत, सिंहार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया था। बक अपि श्रृंगाले प्रति तादृश व्यवहार के प्रति वैसा ही व्यवहार करके बदला ले लिया। कहा जाता है आत्मदुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम, तस्मात् सद्व्यवहारत्यं मानवेन सुखेसिना। अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुख देने वाला, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। अर्थात जो मित्र हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है, सुखदायी व्यवहार करता है, तो वह सुख का भागी होता है, और हमारे साथ में बुरा व्यवहार करता है तो वह दुख का भागी होता है। हमें हमारे मित्र के साथ में हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसकी विपत्ति में उसका साथ देना चाहिए। हमारे विश्वास पे जब हमारे घर पे आता है तो उसके प्रति अच्छा आचरण रखना चाहिए। इस पाठ के शब्दार्थ को लिखेंगे और अर्थ को लिखेंगे।